स्वागत है आप सबका लोको पर, जो कि है हिंदुस्तान का सबसे पहला लाइव गेम शो। वैसे हम सबके साथ ना कहीं ना कभी ना कभी कोई ना कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ज़रूर हो जाता है। मतलब आई एम रियली श्योर कि आप सबका पूरी ज़िंदगी में आप सबके पास कम से कम दो या तीन कोई एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ होगी सबके साथ शेयर करने के लिए। अभी एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ होती क्या हैं? ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम कुछ हरकत कर जाते हैं स्पेशली पब्लिक में, जो कि पब्लिक में आइडियली नहीं करना चाहिए, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि कोई हमें जजमेंटल होके देख रहा है, एंड देन दैट बिकम्स एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर अस। सो आई एम श्योर हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो अगली बार कभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पब्लिक में नहीं करना चाहिए और आपको रियलाइज होता है कि लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस समय, इससे पहले कि ये इंसिडेंट और आपके एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की लिस्ट में ऐड हो जाए, तुरंत आप उसकी तरफ देख के और थोड़ा सा स्माइल करके बोल सकते हैं कि यार मैं शर्त हार गया। और अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपको घूर रहा है, तो आप अपना फ़ोन उठा के बोलिए कि 100 रुपये तैयार रखना, मैं शर्त जीत गया हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो एम्बैरेसिंग मोमेंट है उससे बड़े ही अच्छे से बाहर निकल जाएंगे and nobody will judge you. So this was Monica's tippy tippy top for today, and welcome to Loco once again. Aaj ke game ki hamari prize money hai pure 50,000 rupaye. वैसे अगर आपके पास आपकी कोई एम्बैरेसिंग स्टोरीज है ना, तो प्लीज़ हमारे साथ @getlokonow पर ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत मज़ा आता है सुनने में। एंड हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि आज रात को 8 बजे हमारा लोको परसेंट गेम होने वाला है, और वो आप ज़रूर खेलेगा क्योंकि गौरव कपूर आएंगे आपके साथ ये गेम खेलने के लिए। और दूसरी बात यह है कि कल शाम को 8 बजे हमारा लोको बाज़ार होने वाला है, जो कि एक नया गेम है आपके लिए, तो वो भी खेलने के लिए आप ज़रूर हमारे साथ आइएगा। एंड ऑल्सो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज ना बोट आई डे है, तो अगर आपके पास आपकी बोट आई में कोई फोटोग्राफ है तो उसे हमें @getlokonow पर भेजिएगा। वी वुड लव टू फीचर यू ऑन आवर शो। वैसे कल रात को हमने आपसे पूछा था कि आपने अगर कोई स्काई की फोटोग्राफ खींची है जिसमें आपने उसके वेरियस कलर्स को कैप्चर किया है, तो वो फोटोग्राफ आप हमें भेजिए, और हमें काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स आए, मतलब एवरी पिक्चर वॉज माइंड ब्लोइंग एंड ब्रेथ टेकिंग। सो वी चोज अ कपल ऑफ पिक्चर्स जो हम आज दिखाने वाले हैं। सबसे पहली फोटो है विश्वजीत बसक की, एंड उन्होंने कहा है कि ये पिक्चर उन्होंने आसाम में क्लिक की थी, एंड इट इज़ लाइक ब्यूटिफुल, लाइक थैंक यू विश्वजीत, ये आपने हमारे साथ शेयर की, लाइक लव द स्काई लाइन। द सेकेंड फोटोग्राफ इज सिद्धार्थ कुमार सिंह, और इन्होंने एक सनसेट की पिक्चर खींची है और कहा है कि ये उन्होंने अपने हॉस्टल के टेरेस से खींची है, लाइक लुक एट इट, इजंट इट गॉर्जियस, लाइक लव द कलर्स ऑफ ऑरेंज एंड ब्लू। सो थैंक यू सो मच इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज आपको अपनी बोट आई की फोटोग्राफ्स पहने हुए हमें भेजनी है, उसे हम जरूर फीचर करेंगे। तो फिलहाल हम अपने गेम के साथ शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट फीट इज यूज टू मेजर - हाइट, वेट या फिर टेम्परेचर। ये वही यूनिट है जो हम स्विमिंग पूल में जाने से पहले हमेशा सोच के जाते हैं कि हम छोटे पूल में जाएं या बड़े पूल में जाएं, क्योंकि ये इतने फीट का होगा या वो उतने फीट का होगा, तो ऐसा हम सोचते हैं स्विमिंग पूल में जाने से पहले। द राइट आंसर इज हाइट, एंड येस यू ऑल न्यू अबाउट इट, वी हैव गॉट अबाउट 73,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। वैसे 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, लेकिन अगर आपकी छोटी हाइट है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि छोटा पैकेट हमेशा बड़ा धमाका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू, हियर यू गो। Which mountain range is located in Asia? Andes, Himalayas या फिर Alps? वैसे हम आपको बताएं कि ये जो mountain range है, it is home to 9 out of the top 10 mountains in the whole world. In fact, जो Mount Everest है वो भी इसी mountain range का एक हिस्सा है, and I am definitely sure आपको पता है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विच इज हिमालयाज, एंड वीव गॉट अबाउट 67,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। कुछ लोगों को लगा एंडीज है, वेल लेट मी टेल यू कि एंडीज साउथ अमेरिका में है, वेरज जितने लोगों को लगा कि एल्प्स है, एल्प्स इज इन यूरोप। तो अगर आप लोगों को लगा एल्प्स और एंडीज है, सो आई होप आपके पास लाइफ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। वॉट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? अमरावती, हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम। वैसे ये हमारा कल रात का लड्डू था, तो अगर कल रात को 10 बजे आपने हमारे साथ लोगों खेला था तो आपको डेफिनेटली पता है कि गेम के अंत में हमने आपको एक लड्डू दिया था, और उस लड्डू में हमने आपको बताया था कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ हैदराबाद, एंड येस वी हैव गॉट अबाउट 51,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। अमरावती इज़ अ प्लान्ड सिटी एंड इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, वेर एज 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था, एंड हैदराबाद इनिशियली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 4,
डैश नॉर्मली एक्सपांड्स व्हेन इट फ्रीजेस नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर. वैसे आप में से जितने लोग साइंस पढ़ते हैं आप लोगों को पता होगा कि मोस्ट लिक्विड्स श्रिंक व्हेन दे आर कूल्ड. फॉर एग्जांपल जैसे मर्क्यूरी होता है हमारे थर्मामीटर में. बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शन व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज वाटर. वी हैव गॉट अबाउट 31,000 पीपल हैव गॉट इट राइट एंड दिस इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल दैट व्हेन water is cooled it contracts until 4 degrees celsius but when it freezes it expands by approximately 9%. Moving on to question number 5, which Indian actress plays the lead in the newly released Netflix show Ghoul? Angira Dhar, Shilpa Shukla ya phir Radhika Apte? वैसे ये तो हमारा आज का सोशल मीडिया लड्डू था. तो एक बार हम फिर से आप सबको बता दें कि एट द रेट गेट लोको नाउ हमारा सोशल मीडिया हैंडल है. अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इस गेम के बाद आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा जिसमें हम आपको एक सोशल मीडिया लड्डू देते हैं. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राधिका आप्टे. और इस सीरीज में तुम्हारी सुल्लू का एक एक्टर है मानव कौल, वो भी आपको दिखेगा. इट्स अ थ्रिलर सीरीज. वैसे राधिका आप्टे अभी हाल फिलहाल में सीक्रेट गेम्स में भी दिखी थी. सो आई एम श्योर कि आप लोग काफी फैन हो गए उनके एंड यू विल डेफिनेटली वॉच गूल. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट विल यू फाइंड द कालीवली लगून? केरला, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? Well, let me tell you that this particular Kalibali Lagoon is a coastal lake and a lagoon with wetlands in Viluppuram district of the Tamil Nadu state. And that's why we have the right answer over here, option number 2, which is Tamil Nadu. And we've got about 12,000 people. काफी सारे लोगों को लगा केरला. वैसे हम आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं Kalibali Lagoon की. This is the photograph. This is how it looks. And 90% of the shores of this lake are not accessible through road because उसका इतना सारा वहाँ पे आसपास जंगल है. And that's why. Question number 7. The best feature film on National Integration National Award is named after Dash, Nargis Dutt, Indira Gandhi ya phir Devika Rani? Ye wala jo award tha it was instituted in 1965 aur Shaheed pehli film thi jisne ye award jeeta jabki Dhappa was the last winner of this award. The right answer for this question is Nargis Dutt and yes you all got it right. We've got about 12,000 people who've got it right. Nargis Dutt is the wife of late Sunil Dutt and mother of Sanjay Dutt aur haal hi mein Manisha Koirala ne Nargis Dutt ka ki bhumika nibhai thi Sanju film mein. Agar aap logo ne dekhi ho to I literally fell in love with her. It was amazing. Question number 8. The Petra Dura stone work, inlay work on the exterior of the Taj Mahal is known as Dash, Meenakari, Parchinkari ya phir Jali Kari? Petra Dura is a technique of using cut and fitted highly polished color stones to create images. Matlab agar aap Taj Mahal gaye honge to unke marble pe jo aapne colorful work floral work dekha hai that is Petra Dura and usko Mughlo ke zamane mein parchinkari bhi kaha jata tha which is the right answer. We've got about 8600 people have got it right whereas Meenakari ek metal pe colorful nakashi hoti hai aapko Rajasthan mein ye bahut dekhne ko milegi. Question number 9. The word artisan refers to a kind of dash, handicrafts, water well, ya phir fast food? This is the 9th question of our quiz and I really hope ki aap log iska sahi jawab denge because it's just one question away from winning this game. And handicrafts, jaise aap sabko pata hai, ye hastkala jo ki haath se hum cheeze banayi jati hai. Fast food wo hota hai jisse hum bahut hi fast fat bhi gain karte hain. The right answer for this question is water well. And water well matlab ki kuwa jo hum sabke ghar mein hua karta tha, hua karta hai, kafi sare gharon mein aaj bhi hai. Aur aaj bhi main yaad hai hum jab kuwe ke andar dekhte the to main bahut dar lagta tha. मतलब जब भी पापा कुआं खोलते थे आई वुड लव टू लुक इन टू इट बट आई वुड गेट स्केयर्ड. क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेंच टर्म जॉ दी पॉम गेम ऑफ द पाम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? स्कॉश, टेबल टेनिस या फिर रियल टेनिस? Jeu de Paume is a ball and court term and it was originally played with hands. Isme jo racket hai wo kafi baad mein aaya tha and evolved into the game specifically called as the real tennis which is the right answer for this question and we have got the winners over here. We have 5607 winners for the game. Let me name a few. We have Wiki 7559, we have @PowerN59,
पी शिंदे बड़े दिनों बाद देखे हो तुम. पी शिंदे 1 2 3 4 कांग्रेचुलेशंस. 2 2 11 आप भी हमें बड़ी बहुत बार देखी. बलबीर ऑल ऑफ यू गाइज यार बाय नाउ आई थिंक आई नो यू ऑल. शौर्य डॉट कंस्ट्रक्शन. वी हैव रिस 1 4 9 9 एंड वी हैव निशा निशा डैड समथिंग लाइक दिस. विष्णु 720. सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज. आज के गेम में आप जीते हैं एंड आई एम श्योर कि आप हमारे लड्डू का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उसके पहले हम आपको याद दिला दें कि आज रात को 8 बजे होने वाला है लोको परसेंट जो आपको खेलना है और कल रात को 8 बजे होने वाला है लोको बाजार. और उसी के साथ ही अगर आपके पास वो टाइम में अपनी कोई फोटोग्राफ है तो उसे मैं @getlokonow पर जरूर भेजिएगा. तो फटाफट हम आपको आज रात का लड्डू बता दें. कान लगा के ध्यान लगा के सुनिएगा. Manipur is a state in northeast India with the city of Imphal as its capital. Ek baar phir se suniyega. Manipur is a state in northeast India with the city of Imphal as its capital. So I hope you enjoyed today's game. This is Monica signing off for today. Bye bye.